चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयां हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, वीकली मॉर्निंग वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें सबसे पहले बुलियन, तो बुलियन के अंदर हमने एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी, क्योंकि फेड की मीट से पहले हमने देखा एक पैसिमिज्म बना हुआ था, वार प्रीमियम भी खत्म होता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते सोना करीबन $1900 के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। चांदी भी हमने देखा $24.50 के नीचे चले गई थी। डोमेस्टिक मार्केट पर भी हमने काफी पैसिमिज्म बनते हुए देखा, बट कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फिर से फेड की मीट में जो 0.25 से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा था, उसके बाद हमने देखा कि उम्मीद थी 0.5 की, बट हुआ 0.25, जिसकी वजह से सोने और चांदी में एक जबरदस्त रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। सोने की बात करें तो करीबन 0.25% की तेजी सोने में आती हुई दिखाई दी, चांदी में करीबन 1.5% की तेजी बनती हुई देखी। इंटरनेशनल में हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स बार बार 99 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, डॉलर वीकनेस के चलते सोने चांदी को सपोर्ट मिला। वहीं बॉन्ड यील्ड में जो जंप है वो अपसाइड को कैप करता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो अभी भी मार्केट में बने हुए हैं। साथ में गोल्ड में ETF के अंदर बाइंग बढ़ते हुए दिखाई दी है। तो जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑफ नहीं होगा, तब तक हमें लगता है मार्केट में तेजी का रुख कायम रहेगा। टेक्निकली अगर देखें तो हमने एक ओवरबॉट जोन बनते हुए देखा था गोल्ड में, क्योंकि 2075 का लेवल इंटरनेशनल में देखा। टाइमिंग हमें लगता है कि मार्केट के अंदर बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलनी चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन, डेटा पॉइंट, पैसिमिज्म, इकोनॉमी स्लोडाउन, ये सारे फैक्टर्स गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करेंगे। तो अगले हफ्ते के लिए आपको 52200 का लेवल ध्यान रखना है। जब तक 52200 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, मे बी पॉसिबल 51400 तक का लेवल मिल सकता है। तो 51400 के करीब लेके चलिए, 52200 का टारगेट रहेगा। 52200 का लेवल तोड़ने पे 52800 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। चांदी के अंदर भी 67500 का एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पे आप बाइंग करके चलिए। 69500 या 70 के ऊपर निकलता है तो हम नई तेजी देखेंगे, जो 72000 तक का भी लेवल दिखा देगा, बट ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाइए। वहीं एनर्जी पैक की बात करें तो जबरदस्त तेजी हमने बनती हुई देखी, क्रूड में 8.5% की तेजी, वहीं नेचुरल गैस में 14% की तेजी बनती हुई देखी। जैसे कि हम जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बड़ा है, उसमें क्रूड और नेचुरल गैस का काफी बड़ा रोल है, रशिया सबसे बड़े एक्सपोर्टर के रूप में आता है। और कहीं ना कहीं 2-3 दिनों में हमने देखा कि रशिया ने भी कहा है कि अगर ऑयल और गैस चाहिए तो रूबल में पेमेंट होना चाहिए या गोल्ड में होना चाहिए, तो कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं सप्लाई को लेकर, जिसके चलते ये तेजी कायम है। हाँ, क्रूड के अंदर हमें लगता है कल जो एक अपडेट सऊदी से आई थी, एक ड्रोन अटैक हुआ था जिसके बाद प्राइजेस में और अपलिफ्ट हुआ है, तो पूरे हफ्ते में 8.5% की तेजी हमने देखी और प्राइजेस 8600 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, जबकि इंटरनेशनल में ब्रेंट करीबन $119 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू रहेगा तो नया हाई भी ब्रेंट बनाता हुआ दिखाई देगा। अगले हफ्ते के लिए वॉलेटिलिटी रहेगी, 8200 के पुलबैक पे लेके चलिए, 9400 के टारगेट के लिए। नेचुरल गैस में एंड ऑफ सीजन चल रहा है, बट कहीं ना कहीं अभी भी टेम्परेचर में ड्रॉप है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। सप्लाई कंसर्न्स अभी भी बनी हुई है रशिया और यूरोप के बीच में, जिसकी वजह से प्राइजेस अपलिफ्टेड है। टेक्निकली करेक्शन जरूर ड्यू है, बट जब तक 380 के नीचे नहीं जाता है, 440 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति पूरे एनर्जी पैक में रखिए। वहीं पूरे बेस मेटल की बात करें तो कहीं ना कहीं एक डिमांड कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि चाइना में भी कोरोना के कंसर्न काफी बढ़ गए हैं, बट सप्लाई कंसर्न की वजह से हमें लगता है आने वाले दिनों में जबरदस्त तेजी रहेगी। इसके विपरीत हमने कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर के अंदर हमने पूरे हफ्ते के अंदर एक मिला जुला ट्रेड बनते हुए देखा, जिसके अंदर मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैटी स्टोन के साथ 820 के करीब हमने ट्रेड क्लोज होते हुए देखा। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो ऑलमोस्ट हमने जिंक के अंदर 6% की तेजी देखी। निकल में ट्रेड सस्पेंडेड है LME पे, बट फिर भी 6% की तेजी रिकवरी देखिए। लेड अभी तक अंडर परफॉर्मिंग कमोडिटी रहा है, क्योंकि अभी भी सप्लाई डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है, तो 83 के करीब ही मार्केट मूव होता हुआ दिखाई दिया है।
वहीं एल्यूमिनियम भी शॉर्टेजेस के चलते जबरदस्त तेजी का रुख बना है। तो पूरे बेस मेटल की बात करें तो यहाँ पे चाइना से कुछ स्टिमुलस दिया जा रहा है, वो भी सपोर्ट हो रहा है, सप्लाई कंसर्न्स है वो भी सपोर्ट कर रहा है, बट मार्केट में लोअर लेवल्स पे ही बाइंग आ रही है। तो कॉपर को आपको ध्यान रखना है कि कॉपर अगर आपको 815 के करीब मिले लेके चलिए, 800 का स्टॉप लॉस रखिए, 825 का लेवल तोड़ने पे 840 तक का लेवल दिखा देगा। जिंक के अंदर भी तेजी कायम है जो 350 तक का लेवल दिखा देगी। एल्यूमिनियम पे नजर रखिए जो 300 तक का लेवल। तो ओवरऑल बेस मेटल में कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम पे ध्यान रखिए, बाकी कमोडिटी में वेट एंड वॉच। धन्यवाद। शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है, ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।